केम छो सोचा बातें ही कर लो। केम छो अर्ज भाई, जलसा 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 भाई, अर्ज भाई पूछो कौन जीतेगा, मैं बताता हूं आपको कौन जीतेगा। कौन जीतेगा, कौन जीतेगा? नहीं नहीं, भारती जी ने भी नहीं बताया, आप अभी आप बता दो। यार समझ में नहीं आ रहा ना कौन जीतेगा। आपके टॉप थ्री कौन है? आप तो इंटरव्यूज भी लेते हो। अंकिता, हाँ, मुनव्वर और अभिषेक। यस हर्ष भाई, पॉडकास्ट और एलओएल काफ़ी चल रहे हैं, मैं पूरा फॉलो करते रहता हूँ। कुछ बताइए फैंस को, इतने सारे व्यूज़। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पॉडकास्ट करने वाले हैं, और बिग बॉस के पॉडकास्ट जब से हमने स्टार्ट किए, लोग इतने व्यूज़ दे रहे हैं, इतने कमेंट्स आ रहे हैं, इतना मज़ा आ रहा है, मतलब हमको लगा हमारा पॉडकास्ट सफल हो गया बिग बॉस की वजह से। तो थैंक यू बिग बॉस। एंड इतिहास भी बना है, पहली बार बिग बॉस के अंदर पॉडकास्ट करना। वो तो कलर्स का थैंक यू बोलना पड़ेगा कि वो कलर्स ने हमको इतना इज्जत दी कि हमको अंदर जाके शूट करने दी, और वही कंटेंट हमने हमारी यूट्यूब चैनल पे यूज़ किया। yes. तो वो तो मतलब थैंक गॉड कि। हर्ष भाई, टॉप फाइव में से किस कौन से ऐसे पहले सदस्य है जिसको आप पॉडकास्ट पे लाना चाहोगे? आपके कोई पर्सनल फेवरेट होगा? मुनव्वर, मेरे को विकी और अंकिता को लेके आना पड़ेगा। ओके, साथ में मुनव्वर की गेम कैसी लगी? आपने काफी क्लोज ली। यार देखो पता है क्या है, किसी को 3 महीने से जज नहीं करना चाहिए, वो आदमी गेम खेल रहा है, और जो भी है यार 3 महीने का शो है, हम सब एंटरटेन हो रहे हैं, तो आई थिंक हम सबको एंटरटेनमेंट तक ही रखना चाहिए। आपको क्या लगता है ट्रॉफी कहाँ जाने वाली है आज? ट्रॉफी जाएगी मुंबई में, आनी चाहिए मेरे को ऐसा लग रहा है। थैंक यू सो मच हर्ष भाई, थैंक यू सो मच।